सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं जब तुम सफल होते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से, आज सीपीसीटी पेपर सीरीज में 23 दिसंबर 2018 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है। उसके साथ साथ एक और सूचना, इस फ्राइडे से कोशिश की जाएगी कि वीकेंड स्टोरी के नाम से एवरी फ्राइडे एक स्टोरी अपलोड की जाए सभी के लिए, और सब लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मुझे ज़रूर बताएं कि स्टोरी का सब्जेक्ट क्या हो, विषय क्या हो, हिस्टोरिकल हो, रोमांटिक हो या कोई और हो, ज़रूर बताएं। और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर स्टोरी आप सब लोगों को दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। हम 33 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारा अगले पार्ट, 34th क्वेश्चन। तो स्टार्ट। जीमेल में खाली स्थान टैब मित्रों और परिवार के सदस्यों के संदेश हैं प्राइमरी। अगला क्वेश्चन है, इसमें जीमेल में सोशल होता है, प्राइमरी होता है, अपडेट्स होती हैं, ये सारे 3 या 4 टैब होते हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है। उसमें से ये प्राइमरी जो आपके पर्सनल लोग भेजते हैं, जो आपकी हैं गुड बुक में या बुक में हैं, उन सारे लोगों के लिए है, या कोई अपनी पर्सनल ईमेल से भेजता है तब प्राइमरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित संदेश में किसी शब्द को बोल्ड बनाने के लिए स्काइप में निम्नलिखित में से किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो वो है तारांकन, एस्ट्रिक्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव डायरेक्ट ड्रॉ सरफेस फाइल, DDS, डायरेक्ट ड्रॉ सरफेस फाइल, डायरेक्ट ड्रॉ सरफेस फाइल, रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, PNG। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बाएं ऑनलाइन करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो वो है Ctrl+L, अलाइन करने के लिए, नॉट ऑनलाइन, अलाइन मतलब शिफ्ट करने के लिए, तो क्या है, Ctrl+L। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंपल मार्कअप विकल्प MS वर्ड के किस टैब में उपलब्ध है, तो ये है रिव्यू टैब में। मार्कअप क्या है, किस में मिलेगा आपको, रिव्यू में। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ को जस्टिफाई से बाएं अलाइन में स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, Ctrl+J, तो इससे क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैराग्राफ को दाएं अलाइन से बाएं अलाइन में स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, Ctrl+R, तीनों पूछ चुके, Ctrl+Left, Ctrl+Right एंड Ctrl+J, जस्टिफाई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी स्वार्थ के लिए आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले या उसको हाईजैक करने वाले बुरे लोगों से आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, किस सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा करेंगी, तो ये क्या है, सुरक्षा सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और संचार सॉफ्टवेयर, ये नहीं है, इसका क्या है, सुरक्षा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्थान चार्ट MS Excel में डेटा की एक श्रृंखला में वस्तुओं के कुल के अनुपात में वस्तुओं का साइज प्रदर्शित करता है, वो क्या है, पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट MS Excel में एक प्रकार का सरफेस चार्ट है, तो वो क्या है, वायर फ्रेम, ठीक है, ये वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम चार्ट MS Excel में एक प्रकार का सरफेस चार्ट है, और इसके पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया है, खालिस्थान चार्ट MS Excel में डेटा की श्रृंखला में वस्तुओं के कुल अनुपात में वस्तुओं का साइज प्रदर्शित करता है, तो वो क्या करता है, पाई चार्ट। तो इन दोनों से मैं कंफ्यूज ना हूं, इसमें सरफेस की बात कर रहे हैं और कि मैं डेटा की बात कर रहे हैं।
एमएस एक्सेल में परिवर्तनशील वस्तुओं की अनियंत्रित संख्या के बहुविभिन्न रूपी निरूपण के प्रदर्शन के लिए खाली स्थान चार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? रडार। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सुरक्षा में खाली स्थान किसी व्यक्ति की उसकी अपनी जैविक विशेषताओं के माप से पहचान करता है, तो वो क्या है? बायोमेट्रिक्स। भाषा कितनी प्यारी लिखी गई है, बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक्स की, ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रोटोकॉल एक भौतिक परत प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होस्ट और नेटवर्क के बीच भौतिक विद्युत और प्रक्रियात्मक इंटरफेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या है? X.21। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप रीसेंट लिस्ट हालिया सूची में दस्तावेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए है फाइल, ऑफिस बटन पर क्लिक करें, रीसेंट लिस्ट में जाएं, अपने इच्छित दस्तावेज को पिन करें। ये रीसेंट मींस जो आपने हाल में खोली है वो सारी रीसेंट लिस्ट में चली जाती, तो आप उनमें से चुनकर उस पर क्लिक कर सकते हैं, पिन करना मींस क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चयनित किसी भी छिपे हुए कॉलम को प्रकट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस के साथ ये आपका छोटा कोष्टक जो है वो बंद हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, क्या है? बंद हो रहा है, इसका ध्यान रखना है, ये क्या है? ऐसे ये बंद वाला। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान की मुख्य कार्य क्षमता ने पिवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान किया था, तो वो क्या है? इम्प्रोवा, ठीक है, इम्प्रूव। इंग्लिश में देखते हैं, खालिस्तान ब्लैंक इज कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स द मॉडल फॉर पिवट टेबल इज अ इम्प्रूव। अगला क्वेश्चन है, पिवट टेबल से बहुत एक क्वेश्चन आ ही रहा है, सो रिमेम्बर इट, इसको जरूर एक बार पढ़ लें। खालिस्तान में एक ईथरनेट से दूसरे में सिग्नल लेकर जाता है, उसे क्या कहते हैं? रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल को पहली बार वर्ष खालिस्तान में पेश किया गया था 1970 में, तो ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अब हम पांच क्वेश्चन जो हमारे जनरल अवेयरनेस के हैं वो देखते हैं, तो और बाकी का हमारा 52 और 57 तक कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, पांच का आपका कंप्रिहेंशन आता है और बाकी 3 या 4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से और 5 या 6 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो होते हैं मैथ से, तो जरूर इनको ध्यान से रखें। या 3 या 4 क्वेश्चन, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 3 नंबर का है और अगला जो पार्ट है वो शायद 6 नंबर का होता है, और 5 और 6 14, 9 और 14 हो जाते हैं, ठीक है, 14 मार्क्स ये है। तो इनमें से कोशिश करें कि ये इजी है, ये सारे क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो इनको ऐसे ही ना जाने दें ना जाया करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, यहां से भी आप काफी कुछ ग्रहण कर पाओगे। तो इसी कड़ी में देखते हैं हमारा 66, 7, 8, 9, 70 क्वेश्चन। ये हमारे 5 क्वेश्चन यहां से रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, निम्न में से कौन राजनेता नहीं था? एच एन बहुगुणा थे, आई के गुजराल थे और जय ललिता थी, जो एस एल बहुगुणा थे ये नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इव सेंट लॉरेंट खालिस्तान था प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोल्ड जिसमें एक अंग नियमित ढलान के साथ मामूली रूप से झुकता है जबकि दूसरा समकोण पर एकदम झुकता है और ढलान लगभग लंबवत है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, मोनोक्लिनल। हाँ, बहुत ऊपर से गया ये। किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? एसबीआई को कहा जाता था। और 74 क्वेश्चन, न्यू क्लियोलस किसके संश्लेषण में भाग लेता है? आरएनए के संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ जीत का टावर किसने बनवाया था? राणा कुंभार। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज दूसरा पार्ट भी, और सब लोग ध्यान से देखें और तैयारी करें, कल इससे ज्यादा 1 या 2 पेपर डाले जाएंगे। धन्यवाद।